नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टिव न्यूज। कुछ दिन पहले पत्रकार से मारपीट करने व धमकियां देने के लिए करवाई गई शिकायत पर कार्रवाई ना होने पर आज भुआ के विधायक के विरुद्ध पर्चा दर्ज करवाने हेतु सुजानपुर थाने के बाहर पत्रकारों ने धरना दिया व पंजाब पुलिस मुर्दाबाद के नारे लाए। पत्रकारों के अनुसार जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा उनका संघर्ष जारी रहेगा। पेश है संबंधी सुजानपुर से हमारे सहयोगी पवन कोहली की एक रिपोर्ट। चोर ने इन्हों प्रोटेक्शन किन्ने चर तुम दे लोगे? इन्हों बख्शांगे थोड़े? जिन्होंने नजायज माइनिंग कर रहे ने, नजायज लोगों कुट रहे ने, ये किन्ने चर प्रोटेक्शन दे लोगे? तारपीटो किया गया इशू नू जान बुझ के, क्योंकि असी एक मीडिया लोगों के लिए असी एक शीशा, असी लोगों के लिए एक दर्पण की तरह असी यह दसना चाहते हाँ भी असी कोई गुंडे नहीं गए, असी समाज में एक दिशा देनी चाहते हाँ। उस पेट्रोल पंप दे विच राही गड्डिया दे विच जो तेल पवाया जा रहा सी, तेल दे विच पानी भी विच मिलावट हो रही सी। ये उत्थे कवरेज करन दे लई गया है ते उत्थे वीडियो बना शॉट कर रहा सी। उत्थे दे नाल मैन हैंडलिंग की गई, SSP साहब नू मिल गया डेपुटेशन। SSP साहब नू उन्होंने बड़ी अच्छी तरह ये गल लिया, वह कहते भी मैं एक दिन के ही थोड़ा इनवैसटीगेट करवा के मामला सॉल्ट आउट करवाना। सारे प्रूफ दे दिते गए अपने मीडिया वालों, जो जिहड़े बंदे इंस्टीगेट कर रहे सी, जिहड़े इस सारे एपीसोड के पिछे जिहड़े मुख रोल अदा निभा रहे सी, जिहड़े साजिशकर्ता सीगे लोग, वो चार लोग आइडेंटिफाई कर दिते गए। पत्रकार की कोई भी मंग जी नहीं मनी जा रही, जो पत्रकार समाज के बड़ा रोष हैगा, तो साड़ी यही डिमांड है। इतने पुलिस दल लगाती जिदा पत्रकार नहीं, इतने कोई आतंकवादी बैठे होंगे धरना देने वास्ते। अं यही चाहते हैं कि जो बंद ने मेरे नाल विधिकी की, मेरा मोबाइल खोता, मेरा डाटा वाश किया, उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए है। जो तक सूँ इंसाफ नहीं मिलता, सारिया समूह पत्रकार जथेबंदियां साढ़े नाल है, तो अगली रणनीति वो तैयार कर रही है।